से शब्द मूवी देखिए सिर्फ FWF ओरिजिनल्स पर। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर अपने लुक को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं। लोग उनकी तस्वीरों को काफी पसंद करते हैं, लेकिन हम आपको अनिल कपूर की बड़ी बेटी रिया के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। रिया सोनम कपूर की आगामी फिल्म वीरे दी वेडिंग की को प्रोड्यूसर है। रिया भी सोनम की तरह ही फैशनेबल है। रिया लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं, लेकिन सोनम अपने साथ रिया की तस्वीरें सोशल साइट पर फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। रिया एक स्टाइलिस्ट है और अपने पिता और बहन को आयशा और प्लेयर जैसी फिल्मों में स्टाइलिश लुक देने के लिए जानी जाती है। कपूर बहनों ने कपड़ों की एक बेहद स्टाइलिश और क्लासिक ब्रांड बनाया है। अनिल कपूर की दोनों बेटियां एक ऐसा ब्रांड लाने का प्लान कर रही हैं, जिसके कपड़े सभी पहन सकते हैं। एक तरफ तो अनिल कपूर के सभी बच्चे हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, तो वहीं अनिल कपूर की बड़ी बेटी रिया कपूर कैमरे से हमेशा खुद को दूर ही रखती हैं। भाग मिल्खा भाग और रांझणा की सफलता के बाद सोनम अपनी बहन के साथ इस प्रोजेक्ट यानी ऑनलाइन क्लोथिंग के लिए काम करने वाली हैं। सोनम को आज पूरे बॉलीवुड में उनके स्टाइल के लिए जाना जाता है, जो उनकी फिल्म आयशा में भी देखा जा सकता है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में सोनम के स्टाइल को रिया ने ही बनाया था। स्टाइलिस्ट होने के अलावा रिया कपूर ने मेकअप सेट में भी काम किया है। इस फिल्म में वो रणबीर कपूर और कोंकणा सेन शर्मा जैसे एक्टर्स के साथ सपोर्टिंग रोल में नजर आई थीं। हर साल बॉलीवुड में हजारों फिल्में बनती हैं, जिनमें एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिल से लेकर रोमांस तक सब कुछ होता है। कई फिल्में ऐसी भी हैं जिनकी मेकिंग के दौरान काफी इंटरेस्टिंग सच्चाई भी सामने आती है। मसलन ऐश्वर्या की कमबैक फिल्म जज्बा में जिस हाईकोर्ट के सेट पर शूटिंग हुई, उसे बनाने में करीब 80 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसी तरह फिल्म थ्री इडियट्स में फिल्माया गया प्रेगनेंसी वाला सीन पहले राजू हिरानी की एक और मूवी मुन्ना भाई MBBS के लिए बनाया गया था। इस पैकेज में हम आपको बता रहे हैं बॉलीवुड फिल्मों से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जज्बा। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट सेट के निर्माण में 80 लाख रुपए खर्च किए थे। थ्री इडियट्स। फिल्म थ्री इडियट्स में फिल्माया गया प्रेगनेंसी वाला सीन पहले राजू हिरानी की एक और मूवी मुन्ना भाई MBBS के लिए बनाया गया था। दिलवाले। फिल्म दिलवाले में गेरुआ गाने में जिस जहाज का इस्तेमाल किया गया था, वो अब म्यूजियम का रूप ले चुका है। PK। फिल्म के शूटिंग के दौरान आमिर खान आंखें नहीं झपकते थे। बाजीराव मस्तानी। फिल्म के गाने पिंगा गाने का हाथों वाला स्टेप डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के कुक के द्वारा बताया गया था। दृश्यम। इस फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए 10 कलाकारों ने काम किया है। पीकू। इस फिल्म में काम करने के बाद दीपिका अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाली सबसे लंबी एक्ट्रेस बन गई थी। तमाशा। मध्य प्रदेश में तमाशा नाम का एक गाँव है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। स्पेन के कॉलेजेस में इस तरह के मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले कोर्स करवाए जा रहे हैं। ये जवानी है दीवानी। इस फिल्म के लिए सच में रणबीर कपूर ने अपने कान छिदवाए थे। भाग मिल्खा भाग। जब मिल्खा सिंह और फरहान की पहली मुलाकात हुई थी, तो मिल्खा सिंह ने उन्हें रेस करने के लिए चुनौती दी थी। हैप्पी न्यू ईयर। इस फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर पहले इसमें जूही चावला काम करने वाली थी। प्रेम रत्न धन पायो। इस फिल्म में सबसे लंबे गाने हैं और क्लाइमैक्स भी सबसे लंबा है। दिल धड़कने दो। इस फिल्म में पहले तब्बू और रणबीर कपूर अनिल कपूर की पत्नी और बेटे का किरदार निभाने वाले थे। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड मूवी रेड 16 मार्च को रिलीज हो रही है। फिल्म की कहानी 1981 में यूपी के लखनऊ में घटी सत्य घटना पर आधारित है। इसमें अजय देवगन एक निडर इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। इस पैकेज में हम आपको बता रहे हैं मार्च 2018 से अप्रैल 2019 तक की अगले साल में ऐसी कौन कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं जो सत्य घटनाओं पर बेस्ड हैं। केसरी। स्टार कास्ट अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा। रिलीज डेट 22 मार्च 2019। ये फिल्म 1897 में ब्रिटिश भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी और अफगान सेना के बीच हुए बैटल ऑफ सारा गढ़ी पर बेस्ड है। परमाणु। रिलीज डेट 6 अप्रैल 2018।
स्टार कास्ट जॉन अब्राहम, डायना पेंटी और बोमन ईरानी। परमाणु 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण पर बेस्ड है। ये 11 से 13 मई 1998 को किया गया था। गोल्ड रिलीज डेट 15 अगस्त 2018। स्टार कास्ट अक्षय कुमार, मोनी रॉय और अमित साध। ये कहानी है आजादी के बाद भारत के पहले गोल्ड मेडल की, जिसे भारतीय हॉकी टीम ने 1948 में जीता था। अक्षय इस फिल्म में हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह का किरदार निभा रहे हैं। पलटन रिलीज डेट 7 सितंबर 2018। स्टार कास्ट सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और ईशा गुप्ता। पलटन 1967 के भारतीय चीन युद्ध पर बेस्ड है। इसमें युद्ध के समय सैनिकों के बीच की परिस्थितियों को दिखाया गया है। इससे पहले जेपी दत्ता बॉर्डर और एलओसी कारगिल जैसी फिल्मों में सैनिकों के जीवन की झलक दिखा चुके हैं। रानी रिलीज डेट अक्टूबर 2018। स्टार कास्ट दीपिका पादुकोण और इरफान खान। ये फिल्म 80 के दशक की माफिया क्वीन रहीमा खान उर्फ सपना दीदी पर बेस्ड है। फिल्म में इरफान खान दीपिका के हस्बैंड और गैंगस्टर कालिया का रोल प्ले कर रहे हैं। एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज डेट 21 दिसंबर 2018। स्टार कास्ट अनुपम खेर। ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर बेस्ड है। इसमें मनमोहन सिंह का किरदार अनुपम खेर प्ले करेंगे। उड़ी रिलीज डेट दिसंबर 2018। स्टार कास्ट विकी कौशल। ये फिल्म 2016 में पाकिस्तान द्वारा जम्मू के उड़ी सेक्टर में किए गए हमले के बाद भारत की तरफ से जवाब में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस्ड है। फिल्म में लीड रोल विकी कौशल प्ले कर रहे हैं। गली बॉयज रिलीज डेट 14 फरवरी 2019। स्टार कास्ट रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और कल्की कोचलिन। गली बॉयज की कहानी की बात करें तो ये एक ऐसे लड़के के बारे में है जो झुग्गी बस्ती में पला बढ़ा है और बड़ा होकर चर्चित रैपर बन जाता है। कहा जाता है कि ये रियल लाइफ रैपर डिवाइन और नाजी की कहानी है, लेकिन जोया अख्तर का कहना है कि फिल्म की कहानी किसी से प्रभावित नहीं है। 83 रिलीज डेट 5 अप्रैल 2019। स्टार कास्ट रणवीर सिंह। फिल्म 83 साल 1983 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर बेस्ड है। कपिल देव की कप्तानी वाली इस टीम में मोहिंदर अमरनाथ, एसएस मदनलाल, दिलीप वेंगसरकर जैसे कई क्रिकेटर मौजूद थे। इसमें कपिल का किरदार रणवीर प्ले करने वाले हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।